तमाम देखने और सुनने वालों को YouTube चैनल इजी हेल्थ की तरफ से खुश आमदीद। अगर आप खुदा न खास्ता किसी भी जिस्मानी बीमारी में मुबतला हैं तो बिला झिझक अपनी बीमारी की तफसीली इलामात अपने हाथ से उर्दू में लिखकर और मोबाइल के ज़रिए से इसकी तस्वीर बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और फ्री होम्यो हर्बल तिबी मशवरा हासिल करें। लिखने में अगर कोई मुश्किल पेश हो तो ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। होम्यो हर्बल तरीका इलाज ज़ैली बद असरात से पाक बीमारियों को जड़ से उखाड़ फेंकता है और बफजल खुदा पायदार शिफा से हमकनार करता है। याद रहे, तमाम मालूमात सीगा राज में रखी जाती हैं। आप दिखाए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो वीडियो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं इसमें आपको पेचश और दस्त के लिए एक शानदार और बेहतरीन नुस्खा बताएंगे। ये नुस्खा लाजवाब है और अल्लाह ताला के फल से दस्तों के लिए आखिरी दवा समझा जाता है। बहुत शानदार है और हाजिक अतिबा ने इस नुस्खे को अपनी कुतुब में जगह दी है। ये खुदा ताला के फल से हर जगह तीर बहदफ साबित होता है। दस्तों के अलावा संग्रहणी के लिए भी मुफीद है और शानदार माना जाता है। दोस्तों, आप इसके लिए छाछ तुर्श 500 मिलीलीटर लेकर आग पर रख दें। इस कदर पकाएं कि केवाम गाढ़ा हो जाए। अब इसमें 10 ग्राम सूंड पीसी हुई, 3 ग्राम मूचरस बारीक पीस कर मिला दें और पकाते रहें। जब गोलियां बंधने के लायक हो जाए तो गोलियां जंगली बेर के बराबर तैयार कर लें। खुश्क होने पर शीशी में महफूज रखें। ज़रूरत के वक्त एक गोली सुबह, दोपहर और शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला के फ़ल से एक दिन में ही सख्त से सख्त मर्ज़ दूर हो जाता है और मरीज़ को मुकम्मल शिफा मिल जाती है। चंद बार के इस्तेमाल से मरीज़ बिल्कुल रूबसेहत हो जाएगा। बहुत शानदार उम्दा नुस्खा है।